कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, या फिर इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर लिए हुए हैं और मैंने इसको 17 फंदों से स्टार्ट किया है। 16 फंदे में मैं कली बनाऊंगी और 1 फंदे से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। और देखिए, इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं 1 फंदा बॉर्डर वाला ब्लैक कलर से बुनूंगी और देखिए उसके बाद मैं पिंक कलर लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 8 फंदे मैंने ये पिंक कलर से बुन लिए। और देखिए, यहां से अब मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। ये देखिए, आप जितना बड़ा बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे, जितना भी आप कितने भी फंदे ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से 4, 5, 6, ये देखिए 6 फंदे मैंने ग्रीन बुने और 2 बिना बुने छोड़ दिए। वापस इसको यहीं से पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको मैं वैसे ही बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, इसको हम क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे पिंक कलर को। ये देखिए, यहां तक बना लिया मैंने। अब देखिए, धागा फिर से क्रॉस कराएंगे और ब्लैक आगे लाएंगे ऐसे, और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहां से 1 फंदा मैं ब्लैक बुनूंगी और देखिए इस फंदे में फंदा बढ़ाऊंगी मैं 1 फंदे से 2 फंदे इस तरीके से। एक बार बुना इसे, वापस इसको ऐसे बना लिया और देखिए यहां से आप देखिए 2 फंदे में ग्रीन बुनूंगी, पिंक वाले ग्रीन से बना लिए मैंने। अभी मैं कली को ऊपर के साइड ले जा रही हूं। और 2 फंदे फिर से छोड़ दूंगी और यहीं से वापस इसको पलट लूंगी और जो जैसा है उसको मैं वैसे ही बना के इसको कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से क्रॉस करा देंगे, इस धागे को इधर लाएंगे और यहां से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहां तक बना लिया और इसको इधर करेंगे, इसको आगे लाएंगे ब्लैक को और 1 फंदा ये ब्लैक बना लेंगे इस तरीके से। आप देखिए, मैं इसी तरीके से यहाँ पे 2-2 फंदे छोड़ते हुए ये यहाँ पे 16 फंदे छोड़ूंगी। जितने फंदे का आप बनाएंगे उतने फंदे आप इसमें छोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे 8 फंदे बढ़ा लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 16 फंदे छोड़ दिए हैं 2-2 करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक मैंने छोड़े और 7 मैंने बढ़ा लिए हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे डिजाइन डालूंगी, तो उसके लिए देखिए 1 फंदा मैं ऐसे करके बढ़ा लूंगी और 1 आगे से ले लूंगी इस तरीके से और यहीं से पलट लूंगी ऐसे। वापस देखिए, ऐसे घुमाते हुए 1 फंदा बढ़ा लिया, उसके बाद 1 आगे से ले लिया और यहीं से इसको पलट लिया। ये देखिए अब हाफ कली बनके कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, यहां से मैं फंदे घटाना स्टार्ट करूंगी, तो पहले मैं 2 का 1 कर दूंगी और 1 फंदा बिना बुने यहाँ पे छोड़ दूंगी ब्लैक वाला। वापस इसको यहीं से पलट लूंगी इस तरीके से और फिर से देखिए
दो का एक करूंगी। ये देखिए, ये हमारा फंदा बॉर्डर वाला है। अब देखिए जी, दो फंदे हमारे पास ब्लैक हैं, तो मैं अब फंदे घटाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं इस साइड को बढ़ा रही थी, सात फंदे मैंने बढ़ाए थे, अब मैं एक एक करके सात फंदे घटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से दो का एक कर दिया मैंने, और ये देखिए दो फंदे मैं इसमें से ग्रीन में से ले लूंगी। ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे तीन फंदे हो गए। उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन फंदे ये और दो फंदे छूटे वाले में ले लूंगी, तो हमारे पास ये ग्रीन के पांच फंदे हो गए। यहीं से वापस इसको पलटते जाऊंगी। ये देखिए क्रॉस करा देंगे इसको, पिंक वाला आगे लाएंगे ऐसे, वापस देखिए इसको इधर करेंगे, इसको फ्रंट पे लाएंगे, ब्लैक को बॉर्डर वाला फंदा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे इस फंदे को बना लूंगी और यहाँ पे दो का एक करूंगी पिंक वाला ऐसे। उसके बाद एक फंदा ये बुन लूंगी और दो ग्रीन वाले पिंक बना लूंगी ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन ये और दो छूटे वाले में से, लेकिन उससे पहले गैफिंग हो रही है ये, तो मैं गैफिंग को खत्म करूंगी इस तरीके से। दो फंदे उठाऊंगी, एक यहां से और एक इस रो में से ऐसे, यहां पे तीन का एक कर दूंगी, तो इससे गैफिंग नहीं रहेगी डोरमेट में। एक फंदा और आगे से ले लूंगी और यहीं से फिर से पलट लूंगी। इस तरीके से इसको क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे ऐसे। अब देखिए इसको फिर से इधर कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, और देखिए आप देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ पे एक फंदा घटाते हुए और दो फंदे इधर से लेते हुए इसको बना के कंप्लीट करती हूँ पूरा। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ तक बना लिया, लास्ट में हमारे पास ये दो फंदे रह गए। और देखिए यहाँ से मैं एक फंदा अभी और घटाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 17 फंदे चाहिए जो मेरे पास थे। ये देखिए इस तरीके से दो का एक कर दिया। उसके बाद अब मैं सभी फंदे इसी से बुन लूंगी ब्लैक कलर से। ये देखिए, ये देखिए यहां तक मैंने ये देखिए लास्ट में ये दो फंदे रह गए थे। देखिए यहां तक मैंने ये कली कंप्लीट की थी, और देखिए ये दो फंदे भी इसी से ब्लैक से बना लूंगी जो मैं आउटलाइन डाल रही हूं इसकी। तो देखिए यहां से मैं इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से मैंने कली बना के यहां तक कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं इसमें कुछ चेंज करूंगी, तो देखिए ये वाला कलर है, इससे मैं ये वाली कली डालूंगी और यहां पे ये वाला कलर लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा मैं बॉर्डर का बना लूंगी इस तरीके से ऐसे। अब देखिए यहां से मैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये देखिए आठ फंदे मैंने, ये देखिए आठ फंदे मैंने ग्रीन बुने। अब देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छ, ये देखिए छह पिंक बुन लिए और दो बिना बुने छोड़ दिए। वापस इसको यहीं से आप पलट लेंगे। ये देखिए यहां से आप दूसरी कली स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला कलर जो था वो यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। ये देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको मैं वैसे ही बना के कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए ये धागा क्रॉस करा देंगे, ग्रीन को आगे लाएंगे।